क्या साल 2022 में होने वाली है तबाही? क्या इस साल भी कोरोना तेजी से फैलेगा? क्या इस धरती का अंत इस साल ही हो जाएगा? कई सारी यादों के साथ 2021 के बाद हम 2022 का इंतजार कर रहे थे। 2020 और 21 के कोरोना के कहर के बाद हम लोग 2022 की अच्छी शुभकामनाएं कर रहे थे। ऐसे में कई सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी सामने आ रही है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता है गुलारिया की वेंगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा उर्फ बाबा वेंगा। कौन है बाबा वेंगा? बाबा वेंगा 1911 में पैदा हुई थी और 1966 में इनका निधन हो गया था। कहा जाता है कि 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा ने अपनी आंखें खो दी थी। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर ने उन्हें चीजों को पहले ही देख लेने की शक्ति प्रदान की है। इसी वजह से उन्होंने मरने से पहले ही साल 5079 तक की भविष्यवाणी कर दी थी। उनका मानना था कि साल 5079 में दुनिया का अंत हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि बाबा वेंगा की लगभग 85% भविष्यवाणियां सच हो चुकी है। उन्होंने खुद अपनी मौत की भी सटीक भविष्यवाणी की थी। वेंगा ने मरने से पहले सोवियत संघ के विघटन, 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, 2004 की सुनामी, ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की मौत और 2010 के अरब स्प्रिंग जैसी कई सटीक भविष्यवाणी की थी। अब साल 2022 के लिए भी उनकी भविष्यवाणी सामने आई है। तो चलिए जानते हैं कि ये इस नया साल किन किन घटनाओं का गवाह बनेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि साल 2022 में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। इसका असर सबसे ज्यादा भारत में दिखाई देगा, जहां अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक को छू जाएगा। इनका कहना है कि तापमान बढ़ने के कारण टिड्डियों की आबादी बढ़ जाएगी, जो फसलों को तबाह कर देगी। इस कारण देश में अकाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बाबा वेंगा के मुताबिक साल 2022 में दुनिया में पानी का संकट गहराने वाला है। कई शहरों में लोगों को पानी पीने को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नदियों का पानी प्रदूषित हो जाएगा और झील तालाब का दायरा सिकुड़ता चला जाएगा। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण रूस की साइबेरिया इलाके में बर्फ पिघलने लगेगी और एक घातक वायरस से दुनिया का सामना होगा। यह वायरस बहुत ही खतरनाक होगा और तेजी से फैलेगा। उनके मुताबिक इस वायरस के संक्रमण से निपटने में दुनिया के तमाम इंतजाम नाकाम साबित होंगे। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक हिंद महासागर में भूकंप के बाद एक बड़ी सुनामी उठेगी। ये सुनामी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और भारत समेत कई देशों के तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लेगी। इस सुनामी के कारण काफी नुकसान होगा और कई लोग की जान भी जाएगी। वैसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां पूरी तरह से गलत भी हुई हैं। अब बस देखना ये होगा कि साल 2022 कैसा जाता है और ये बाबा की भविष्यवाणी सच होती है या फिर नहीं। दोस्तों आपको बस अपना काम करते रहना है, बाकी ऊपर वाला अपने साथ ही है। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आगे और भी वीडियोस आपको यहीं से मिलती रहेंगी। लेट्स एंजॉय, लेट्स बी हैप्पी।